फीफा वर्ल्ड कप में दिखा भगोड़ा जाकिर नाइक। भारत ने दिखाई सख्ती तो कतर बोला हमने नहीं बुलाया। भारतीय विदेश नीति का दिखा दम, लेकिन कौन कर रहा साजिश? मुस्लिम देश कतर में इन दिनों फुटबॉल का महाकुंभ चल रहा है। दुनिया भर में कतर की मेजबानी की तारीफ हो रही है, लेकिन एक शख्स की एंट्री से कतर की मुश्किलें बढ़ गई है। उसका नाम है जाकिर नाइक। पाकिस्तान समेत कई देशों ने दावा किया है कि कतर ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में मजहबी तकरीर के लिए जाकिर नाइक को बुलाया है। ऐसी रिपोर्ट्स के बाद कतर में हो रहा फुटबॉल का विश्व कप विवादों से घिर गया। कतर के सरकारी स्पोर्ट्स चैनल अलकास के टेलीविजन प्रेजेंटर अल हजारी ने ट्वीट में लिखा था कि शेख जाकिर नाइक वर्ल्ड कप के दौरान कतर में है और पूरे विश्व कप के बीच कई धार्मिक व्याख्यान देंगे। इसके बाद से ही खबरें सामने आई कि कतर ने ही जाकिर नाइक को फीफा वर्ल्ड कप के लिए बुलाया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर जाकिर नाइक की वर्ल्ड कप में शामिल होते हुए तस्वीरें भी वायरल होने लगी। इन खबरों के बाद से ही भारत और कतर के बीच राजनीतिक तनातनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद भारत सरकार ने सख्ती दिखाई। भारत सरकार ने कतर से सीधे पूछा कि क्या सच में कतर ने जाकिर नाइक को फीफा वर्ल्ड कप के लिए बुलाया है। इसी बीच फुटबॉल वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करने की मांग होने लगी। इसके बाद कतर बैकफुट पर आ गया। यू टर्न लेते हुए कतर ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से भारत को बताया कि उसकी तरफ से जाकिर नाइक को फीफा वर्ल्ड कप के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए कोई आधिकारिक आमंत्रण नहीं दिया गया था, लेकिन कतर ने अपने बयान में जो कहा वो चौंका देने वाला है। कतर का कहना है कि भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को खराब करने के लिए इस तरह की गलत सूचनाएं फैलाई जा रही है। कतर के इस बयान के बाद से भारतीय विदेश नीति एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। जानकार कतर के यू टर्न को इंडियन फॉरेन पॉलिसी का दम बता रहे हैं। जाकिर नाइक भारत में 1990 के दशक से अपने धार्मिक उपदेशों के लिए चर्चा में आया था। साल 2000 की शुरुआत में उसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें जाकिर नाइक ने कई आपत्तिजनक भाषण दिए। इसके बाद जाकिर पर अपने अनुयायियों को दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काने के आरोप लगे। 2016 में भारत ने जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर बैन लगा दिया। जाकिर नाइक भारत में एक वांटेड है। वो नफरत फैलाने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहा है। भारत लगातार उसके प्रत्यर्पण की मांग करता रहा है। गृह मंत्रालय ने पिछले साल जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैर कानूनी घोषित किया था। नाइक पर नफरत वैमनस्य को बढ़ावा देने का आरोप है और उसके भाषणों को आपत्तिजनक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वो अपने भाषणों में धर्मांतरण और आतंकवाद को बढ़ावा देने के साथ आतंकवादियों की प्रशंसा करता रहा है। जाकिर नाइक की हेट स्पीच के चलते ब्रिटेन और कनाडा ने भी इसे प्रतिबंधित कर रखा है। 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में भी उसका हाथ था और इसीलिए कतर में हो रहे फीफा वर्ल्ड कप में जाकिर नाइक के दिखते ही भारत ने एक्शन लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।